केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हिमाचल के सेब बागवानों को बड़ा झटका दे सकती है। कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्र सरकार वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 15% करने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से ये कमिटमेंट किया है और ये आरोप कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जून महीने में वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटाकर 50% कर चुके हैं, अब इसे 15% करने की तैयारी है। अगर इसे घटाया गया हिमाचल का 5,000 करोड़ रुपए का सेब उद्योग बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के बागवानों से सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने का वादा किया था और इसे पूरा करने के बजाय मोदी सरकार हिमाचल के सेब उद्योग को तबाह करने में तुली हुई है। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी अमेरिका से आयात होने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के निर्णय को बागवानों के साथ अन्याय बताया है। इससे अमेरिका का सेब सस्ता मिलेगा और हिमाचल का सेब महंगा हो जाएगा, इससे यहां के सेब की खरीद भी कम हो जाएगी। प्रियंका ने केंद्र सरकार से इस शुल्क को दोबारा बढ़ाने की मांग उठाई है और ये बात उन्होंने मंगलवार को मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही है।